कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ लोहा बाजार की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, मार्केट पे किस तरीके से हलचल हो रही है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो लोहे बाजार में आपको बताएंगे क्या मार्केट का ट्रेंड है, लोहे बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं एमएस इंगट पे किस तरीके से कामकाज रहा है। तो एमएस इंगट की अगर बात करेंगे तो एमएस इंगट पे जैसे कि आपने देखा 42,000 रुपए का एक महत्वपूर्ण स्तर तोड़, जो पीछे बाजारों में एक बार तोड़ते हुए नजर आया, फिर वहां से 42,000 का एक सपोर्ट लिया और फिर बाजार 42,500 रुपए तक, 500 रुपए पर टन की बाजारों में तेजी देखी गई। एमएस स्कैप का बाजार भी इसी तरीके आपने देखा कि 31,000 का महत्वपूर्ण स्तर तोड़ के फिर 31,500 रुपए तक बाजार हुआ। कल 31,500 रुपए ऊपर में बाजार बिका और बाजार कल जब बंद हुआ तो 31,400 रुपए, इसमें 100 रुपए की मामूली बढ़त देखी गई। लगातार आप देख रहे हैं फॉरेन में चाइना का बाजार लूनियर डे हॉलीडे की वजह से, वहां पर 10 दिन की हॉलीडे है, 18 तारीख तक बाजार बंद रहेगा। तो विदेशी बाजारों से कोई खास संकेत नहीं है क्योंकि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, वहां पर 10 दिन से बाजार बंद है, तो वहां से कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। भारतीय बाजारों में कुछ निचले स्तर से रिकवरी आती हुई जरूर आपने 2-3 दिनों में देखी है, लेकिन आप सोचें यहां से बाजारों में बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी तो उस तरीके की संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग आप हमारा 9:30 का शो, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, वहां पर जाके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आप जुड़ के मार्केट के ट्रेंड और आउटलुक को आप समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एमएस इंगट ओल्ड स्कैप के कन्वर्जन रेट की। एमएस इंगट ओल्ड स्कैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपए रहा। कास्ट आयरन की अगर हम बात करेंगे तो कास्ट आयरन की भी स्थिति आप देखेंगे तो कास्ट आयरन में भी बाजारों में मंडी गोइंग है। टोका का बाजार 36,500 रुपए, इंपोर्टेड का बाजार 37,500 रुपए रहा। एचआरसी सीआरसी कॉइल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, बाजार फ्लैट पड़े हुए हैं। लुधियाना एचआरसी कॉइल का बाजार 54,400 रुपए, सीआरसी कॉइल का बाजार 59,400 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का बाजार 56,500 रुपए, सीआरसी कॉइल का बाजार 59,000 रुपए रहा। इसी तरीके कोलकाता एचआरसी सीट का बाजार 52,700 रुपए, सीआरसी सीट का बाजार 58,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। आप जानेंगे रायपुर एचबी वायर क्या है, तो ये जो भी भाव हमने आपको बताए हैं पर 1000 केजी के भाव हैं, इस पे आपको 18% जीएसटी, लोडिंग अनलोडिंग का चार्जेस प्लस डायर डिफरेंस का चार्जेस आपको हमेशा अलग से देना होता है। रायपुर एचबी वायर की अगर हम बात करेंगे तो रायपुर एचबी वायर का बाजार 44,500 रुपए, जीआई वायर का बाजार 48,600 रुपए, एमएस पाइप में गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 44,500 रुपए, रायपुर पाइप का बाजार 42,200 रुपए रहा। टीएमटी की अगर बात करेंगे तो मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 46,700 रुपए, दुर्गापुर का बाजार 42,500 रुपए, इंदौर का बाजार 47,600 रुपए, रायपुर का बाजार 43,000 रुपए रहा, जबकि जयपुर टीएमटी का बाजार 45,400 रुपए, मुजफ्फरनगर टीएमटी का बाजार 45,000 रुपए पे कामकाज हुआ। भावनगर की अगर बात करेंगे 47,200 रुपए, गाजियाबाद का बाजार 46,200 रुपए, जलना टीएमटी 48,200 रुपए, पटना टीएमटी 43,700 रुपए रहा। तो इनमें बाजारों में भी स्टेबिलिटी बाजारों में देखी जा रही है, जिस हिसाब से इंगट पे बढ़त आ रही है तो 200-400 रुपए की आप मूवमेंट बाजारों में देखने के लिए आपको मिल सकती है। आज के चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मंडी गोइंगगढ़ में एमएस इंगट का आज का सपोर्ट का लेवल 42,100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 42,800 रुपए, इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 31,100 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 31,800 रुपए। ओवरऑल आउटलुक में मार्केट में आप निचले स्तर से हल्की फुल्की आपको रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, बहुत ज्यादा ओवरलोड खरीदारी करने की फिलहाल जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। जो भी मार्केट का ट्रेंड होगा अब चाइना का बाजार खुलने के बाद ही ट्रेंड क्लियर होता हुआ आपको नजर आएगा। और आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स के लिए आप एबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। रेट्स की जानकारी मार्केट पे के उतार चढ़ाव, मार्केट के पे पल पल के रेट की अपडेट आपको एबी लाइव पे मिलता रहता है। लास्ट 15 साल पुरानी कंपनी है, आप उसको भी आप जाके उसका डेमो ले सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।